मेरा भी लिनोवो का टचपैड वर्क नहीं कर रहा था, तब मैंने इन चार ट्रिक से उसे फिर से चालू किया। आपके पास लिनोवो का लैपटॉप हो या फिर अदर कंपनीज का लैपटॉप हो, इन चार तरीके से आप अपना लैपटॉप बिल्कुल ठीक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ट्रिक नंबर वन, हमारे लैपटॉप का टचपैड कई बार हमसे ही डिसेबल हो जाता है। हम कोई कीज दबा देते हैं तब टचपैड बंद हो जाता है। उसे फिर से चालू करने के लिए हमें फंक्शन की प्लस F6 की हमें प्रेस करनी होगी, नहीं तो फंक्शन की प्लस F5 की हमें प्रेस करनी होगी। 50% चांसेस है कि हमारा टचपैड इससे वर्क करने लगेगा। अगर इससे भी आपका टचपैड चालू नहीं हो रहा है तो ट्रिक नंबर टू सुने। ट्रिक नंबर टू, हमें हमारे लैपटॉप को अपडेट करना होगा। लेकिन मुझे पता है आपने लैपटॉप को अपडेट कर लिया होगा तभी लैपटॉप का टचपैड वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद माउस ऑप्शन पर आकर आपके ड्राइवर अपडेट्स करने होंगे। अगर इस ट्रिक से भी टचपैड वर्क नहीं करे तो ट्रिक नंबर तीन को अप्लाई करें। नंबर थ्री, अगर आपका लैपटॉप लिनोवो का है तो ट्रिक नंबर थ्री आपके लिए। आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है support.lenovo.com, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। उस वाली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट फैमिली का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको पीसी को सिलेक्ट करना है, फिर आपको लैपटॉप का नाम सर्च करना है, फिर आपके सामने ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको सही तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, फिर आपको कंपोनेंट्स में आके माउस टचपैड कीबोर्ड एंड पेन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपके सामने ड्राइवर अपडेट करने के लिए आएगा, फिर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। चिंता ना करें, लिनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वायरस की कोई भी चिंता नहीं है। वो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग को नेक्स्ट करना है। सारे स्टेप्स करने के बाद आपका टचपैड 90% चांसेस होंगे कि वर्क करने लगेगा। मैंने भी मेरे लैपटॉप में ये तीन स्टेप्स फॉलो किए थे लेकिन मेरा टचपैड वर्क नहीं कर रहा था। मैंने ट्रिक नंबर फोर को यूज किया और मेरा टचपैड वर्क करने लगा। ट्रिक नंबर फोर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर फोर की तरफ। नंबर फोर, सभी ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपको लैपटॉप को रिफ्रेश करके लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है। 99% चांसेस है कि आपका टचपैड जरूर वर्क करेगा। अगर सारे ट्रिक से बाद भी आपका टचपैड वर्क नहीं कर रहा है तो यह हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ऑफलाइन स्टोर में विजिट करना होगा।